जिहवा एक कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही रहिए कहाँ बुद्ध प्रभ तुष हमारी बरन सके मेहमान जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर अदब प्यार सहित सज बैठी गुरु सवारी गुरु रूप साध संगत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु साहब जी ने आप सिर ते हाथ रख के श्रद्धा बख्श के भावना बख्श के प्यार बख्श के तुहाडे कोलों ये सेवा ली है। बहुत जरूरी है सा संगत घट्टो घट्ट ये दसंबर का महीना जिन्हां दी कमाई असी सारे खा रहे हाँ वो साड़ी सिमृति दे अंदर वसन साड़ी याद दे अंदर वसन। सा संगत अरदास करदे हां एक सोच आउंदी है कि साढ़े पुरखियां ने जदों पंथ दी मर्यादा तराशी अरदास दे शब्द घड़े किन्नी कमाल दी साढ़े उत्ते कृपा कीती भी गुरु दे लालां दा साड़ी जुबान उत्ते सिमरन पैदा कर दिता। सिमरन सिमरन हुंदा जिन्हों बार बार रिपीट किया जाए याद किया जाए जिहड़ी गल नूं बार बार दोहराया जाए उन्हूं सिमरन कहिंदे आ। ते अरदास असीं करदे हां सानूं सिमरन करवा दिता उन्हां शहीदां दा। तुसीं बड़ा खूबसूरत स्लोगन रखिया भी शहीदां नूं समर्पित है ते असीं याद करिए ना क्यों ना करिए असीं सानूं ते सिमरन करन वास्ते कहा जिवें असीं वाहिगुरू जी दा सिमरन करदे हां इवें वाहिगुरू जी दे मार्ग ते तुरन वालियां दा भी सिमरन करदे हां सानू बल मिलता उन्हों का सिमरन करके। पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई देग वाही सारी लड़ी असी चितार के जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां ते लंबी लड़ी नूं असीं अपनी सिमरति दे अंदर रोज़ दोहराउंदे हां। घट्टो घट्ट सिख नूं हुक्म है भी दो वारी ते सिमरन करना ही है ना दिन विच ते फिर सिमरन करके उन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके कहिंदे आ बोलो जी वाहिगुरू। कैसी कमाई साध संगत उन्हां ने कीती। सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे आदरयोग कीर्तनीय सानूं शब्द सुना रहे सी ऐसा मरो जित बौर ना मरना। सारे ही मरदे आए सात संगत शरीर की गल करिए तो शरीर तो सारिया का ही बिनसना है। कोई मैदाने जंग विच ना होवे कोई धर्म लई पहरा ना दिंदा होवे कोई अपनी कोठड़ी विचों ही बाहर ना निकले डरदा मरा तो शरीर तो उहदा भी बिनस जाना। दुनिया के उत्ते आए हुए हर मनुख का ही शरीर बिनसना है। सबना मरना आया विछोड़ा सबना जो उपजो सो बिनस है
कबीर मरता मरता जग मूआ। ये खेड तो सारे जगत से व्याप रही है। भाई साहब भाई बलविंदर सिंह जी बड़े प्यार में शब्द पढ़ रहे सी, ऐसा मरो जित बहर ना मरना। हुण वेखो वजीदा तो यही कहिंदा होएगा भी मैं गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के वड्डे साहिबजादियां नूं चमकौर की गढ़ी विच खत्म कर दिता है। शब्द तो यही वरतेगा भी मैं मार मुकाया। गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे पुत्रां नूं मैं सरहंद दे विच खत्म कर दिता है, मैं मार दिता है। उहदी जुबान के अनुसार तो यह सज़ा ए मौत ही सी ना, जो कहिंदा सज़ा दित्ती है मौत दी ते मार दिता। मरता मरता जग मूआ, सब ने ही मर जाना है। राम गयो रावण गयो जां को बहु परिवार, जो आया सो चल सी, जो उपजो सो बिनसै। बाणी इस गल की शादी भर रही है, सारे उपजे हुए शरीर ने मिट जाना है। मर भी ना जाने कोए, ऐसे मरने जो मरे बहर ना मरना होए। मरते तो सारे ही है, तो जो सानू भाई साहब सुना रहे सी, ऐसा मरो जित बहर ना मरना। ऐसे मरने जिस मरनी की असी गल कर रहे हैं सत्संग, मोटे जे रूप में जे मौत की चर्चा करिए तो तीन रूप मौत दे गुरमत की कसौटी चो सानू नज़र आते हैं। पहला है शरीर का मरना, सब ने मरना है, कोई अतकथनी नहीं। अज जा भलके पर वो आज कह काल, अज जा कल हो सकता है, सब ने चले जाना है। दूसरा है सात संगत भी शरीर जिंदा, तो शरीर तो पहला एक मौत होर गिनी महाराज ने, इन बरीकी ने समझो। ऐसा मरो जित बहर ना मरना। वो मरना की असी इनू समझण वास्ते थोड़ा जिहा विस्थार लै लीए। सच्चे पातशाह जी कह की रहे है, जो गल गुरु साहब जी ने शरीर के मरण की की, तो उन्होंने इस गल की मोहर लाई भी सब ना मरना आया, जो आया सो चल सी। बड़े प्रमाण दे के दसिया भी शेख हयाती जग ना कोई ठहर रहा। बड़ी सरल जी गल है। दूसरी गुरु साहब जी कहिंदे भी शरीर जिंदा है, एक मरण पहला भी हो जाता है। शरीर तो उदों मरना गिणते हैं असीं भी जदों मैडिकल साइंस भी कहती है भी आ नब्ज फट के वेखी बंद, दिल वेख्या बंद, ब्लड सर्कल बंद, डॉक्टर ने कहा डैथ है। जदों डॉक्टर को नहीं सी जाते, साडियां बजुर्ग मावां सां सियाणे दाने वो चेहरे का रंग रूप वेख के कह देंदे सी भी मौत हो गई, अंदाजा ला लेंदे सी ना मोटा जिहा, शक्लो सूरत वेख के चेहरे की रंगत वेख के। डॉक्टर भावें टूटियां ला के नहीं भी सी वेखदा तो घरां विच मोटा जिहा अंदाजा लग जांदा सी भी सियाह हो गया, रंग बदल गया तो डैथ हो गई। गुरु साहब जी कहिंदे जिस मौत की गल मैं कर रहा, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी कहिंदे उत्थे चेहरा नहीं बदलिया, ब्लड सर्कल नहीं रुकिया, दिल की धड़कन नहीं रुकी, सब कुछ चल रहा अपने सिस्टम के अनुसार चल रहा, ना वह रंग रूप बदलिया, ना वह सुआह वर्गा होया, ना वो हार्ट बीट रुकी है, ना ब्लड सर्कल रुकिया। वो तुरदा फिरदा दौड़दा भजदा सोहना सुनक्खा, सियाणिया सियाणिया गल्लां करदा, पैसे भी कमाउंदा रोज़। तो सतगुरु जी ने एक मौत का जिक्र किया भी आ चुकी है, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी, ये सारिया गल्लां जिंदे दी निशानियां है। अत सुंदर चंगा भला खिड़िया होया चेहरा, लाल सुरख मंजे ते नहीं पिया, स्याह नहीं होया। अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी, जबान तो ज्ञान दियां गल्लां करदा है। धनी है, शोहरत है, शोभा है, धनवंत, पर गुरु दे थर्मामीटर नाल जदों परख्या सतगुरु जी कहिंदे मृतक कही है नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। ऐसा मरो, इत्थे ध्यान केंद्रित करियो, क्योंकि तुसी शब्द नू बड़ा रस लै के सुन रहे सी, ते जदों ग्राउंड बनी होवे ना फिर उत्थे सुर तो खेड़नी नहीं चाहिए, उत्थे ही जुड़ी रहे, उत्थों ही असी अगे तुरी जाइए। बाबा जी ने मोहर लाई
जीवन ते मौत दी गल करदे आ मोर लाई महाराज कहिंदे से जीविया जिन मन वसिया सोए से जीविया। वेखो सर्टिफिकेट है जीवित होने का, बाकियां नूं मृतक घोषित कर दिता, भावें वह सोहणे ने भावें वह सियाणे ने भावें वह पैसा कमाउंदे ने शोहरत है ज्ञानी ने अकल वाले ने, गुरु साहब जी ने डिकलेयर कर दिता, जिवें डॉक्टर नहीं डिकलेयर करता शरीर नूं वेख के भी ये डैड हो चुके आ, गुरु साहब ने जमीर नूं वेख के डिकलेयर करता भी ये मर चुका, ये दूसरी मौत है कोशिश बिल्कुल ऐलानी आ भी से जीविया जिन मन वसिया सोए नानक अवर ना जीवै कोई। जे जीवै पत लथी जाए, हुण दूजी गल ध्यान ना सुनियो भी सौदा कर लो जी, सिर झुका के जी लो, जिंदे रह लियो, असी तुहानू जीवन देवांगे पर शर्त यह है भी तुसी सिर झुका के जीवो, असी तुहानू छड्ड देंगे। धन बाबा जोरावर सिंह धन बाबा फतेह सिंह जी नूं असल च पुछो ना, जे सारे इतिहास नूं कोखीए बरीकी दे नाल तत्थां नूं असीं परचोलन दा यतन करिए ते वजीदा यतन कर रहा सिर तोड़ यतन कर रहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे साहिबजादियां नूं मैं खत्म ना करां, तुसीं हैरान होवोगे, क्योंकि वो चाहुंदा भी ये जिंदे ते रहन पर मेरे कोलों गिड़ गड़ा के जिंदगी दी भिख्या मंगण, ये जिंदे ते रहन पर मेरे सामने सिर झुका के गर्दना नीवियां करके अखां धरती च गड़ के जीवन, ये लाचार हो के बेवस हो के मेरे मुथाज हो के मैनू कहन कि ऐ हाकम ऐ सूबे सानू जिंदगी दी भिख्या दे दे। वो मां गुजरी जी दियां अखां दे अंदर बेवसी वेखनी चाहुंदा है, वो मां गुजरी जी दियां अखां विच लाचारी तकनी चाहुंदा है भी अपने पोतियां दी मौत दी दर्दनाक जदों भयानक फतवे दी खबर सुने मां ते तड़प के कह उठे भी ना सूबिया मेरे खानदान चो मेरे वंश विचों आही निशानी बची है, इन्हां नूं कुछ ना कहीं। वो भुखे तां रखदा है, वो प्यासे तां रखदा है, वो सर्दी विच तां रखदा है कि माता गिड़गड़ा के कहे मेरे लाला नूं बख्श दे। पर मेरे गुरु ने सिखाया जिहड़ा तुसी पढ़ रहे सी ऐसा मरो जित बौर ना मरना, मेरे गुरु ने सिखाया भी जे जीवै मन लो जिंदे रह जांदे, जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जेता किश खाए। भोजन मिलेगा, पदार्थ मिलणगे, सुख मिलणगे, सौदा असी करना। वेखो ये जो थोड़ा जा समझन दा यतन करियो गुरमुखो भी जिंदगी दे अंदर दुख तकलीफां कष्ट दुश्वारियां मुश्किलां मुसीबतां आउणगियां, पत रख के जूना है ते दूजे पासे कोई कहे भी पत लथियां सब भोग मिलणगे पदार्थ मिलणगे दुनिया भर दियां जो वस्तां झोली च पैणगियां ते असीं की निर्णा करना दोनों चो दसो। बाबिआं दी शहादत ते इह दस रही है भी तूं दस किहड़े पासे खड़ा है, एक पासे पदार्थ है एक पासे धर्म है, दौलत है शोहरत है शोभा है दुनिया भर दियां जो सुख साधन सुविधावां ने वो एक पासे ने, दूजे पासे धर्म दा रस्ता है, दस दोनों विचों की चुनना चाहुंदा। हो सकदा धर्म दे मार्ग उत्ते तैनूं मुश्किलां दा सामना करना पए, हो सकदा कुछ पाउण दी बजाए कुछ गवाउणा पए। शहीदी नूं चेते करदिआं असीं उस चौराहे ते खड़े हाँ जिथे असी फैसला लेना भी यह रस्ता चुनना है कि रस्ता चुनना है, तुसीं अपने अंदर एनालिसिस करो। सानू केवल दुनिया के पदार्थ चाहिए ने जां सानू धर्म का सिर उच्चा करके जीवन वाला जीवन चाहिए। गुरमुखो बदकिस्मती उदों शुरू हुंदी है जदों असी सिर उच्चा करके जीवन वाला स्वै मान वेच दिंदे हां ते पदार्थां दे सौदे कर लैंदे, ते जदों ये पदार्थां दे सौदे हो जांदे जमीरां दे नाल फिर हशर तुहाडे सामने है। जदों जमीरां विक जांदियां फिर हशर तुहाडे सामने ने भी वह जिंदा तो है पर लाश बन के जिंदा कोठड़ियां चों बाहर नहीं निकल सकते, फिर नज़ारे तुसीं वेखे। उहनूं जीवन तो कहिंदे होणगे भी साह चल रहे है, जिहड़े लोग जमीरां वेच दिंदे ने जिहड़े लोग सौदा कर लैंदे ने भी कोई गल नहीं
मैं स्वै मन वेच के पदार्थ लै लवांगा, पदवी लै लवांगा, शोहरत लै लवांगा। वो जिंदा तो है पर बड़ा औखा जे अपनी लाश नूं ढोना। तां गुरु ने कहा सी मुरदे आ मुरदे। नज़ारा तुसीं अखां नाल वेख लिया। जमीरां दे सौदे करन वालियां दी जिंदगी नूं गुरु ने कहा सब हराम जिता कुछ खाए। हो सकता पदार्थ तुहानूं इन्ने कदी ना मिलन जिन्ने जमीर वेचण वाले नूं मिल जांदे आ, जिन्ने स्वै मान वेचण वाले नूं मिल जांदे आ। हो सकता तुसीं कल्पना भी ना कीती होवे। एक बोल करोड़ां दा सौदा करवा सकता होवे, दुनिया भर के सुख दवा सकता होवे, पर मेरे गुरु ने कहा हराम जिन्ने भोग भोगे, जिन्ने सुख मिले सब हराम जे तक खाए। क्यों? जे जीवा पत लथी जाए। धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, मैं बेनती मेरी अर्ज है बच्चों चुप करो। एक सिंह बाहर जाओ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत मेला बनया पाया। एक सिंह बाहर ड्यूटी दियो, इदा ना करो। ये बड़े कीमती पल ने, तुसी उदम किया तो इन्हों खटी आप। मैं अर्ज कर रहा सी भी धन बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह नूं वजीदा चाहुंदा भी वह जीवन, पर जीवन सिर झुका के। वो अंबार ला दिंदा पदार्थों के, खजाने के, दौलतों के। इतों तक इतिहास कहिंदा भी वह कहिंदा मैं धियां दे डोले भी देंगा। मैं कल भी दो घड़ियां बैठा अपनी सुरत च बाबियां दी शहीदी नूं सिमरदा होया, एक गल जेन विच आई कुदरती। कई गल्लां सतगुरु जी ज्यों ज्यों तुसीं अंदर मंथन करोगे तुहाडे अंदरों बहुत कुछ उजागर होएगा। वेखण नूं कई वारी कुछ सामने नहीं लभदा, पर मंथन जदों सुरत विच करी जाओगे ना रिड़कना। वेखण नूं दुध विच मक्खण नहीं है, घिओ नहीं है, पर जदों सियाणियां मावां साडियां नूं रिड़कदियां तां फिर अपने आप ही तत् निकल आउंदा है। इस सारे साके नूं सिमरोगे, सिमरदिया सिमरदिया तत् निकलेगा। बहुत कुछ तुसीं वो पाओगे जिहड़ा कल्पना विच भी नहीं सी। मैं बैठा सी कलता विच, सिमरती अंदर शहीदी दा साका चल रहा सी। एक गल साहिब ने जेन विच पाई कि मेरा मन कहिंदा भी वजीदे ने गुरु लाला नूं भोजन जरूर दित्ता है। आपां दे ये कहिंदे ना तीन दिन भुखे रहे, बिल्कुल रहे ने भुखे, पर इसलिए नहीं रहे कि उन्हां नूं भोजन नहीं मिलिया। दस पोह नूं, ग्यारह पोह नूं पहला यतन ये सी, बड़े प्यार नाल, बड़े स्नेह दे नाल, बड़ियां मिठियां गल्लां दे नाल ये जताउण दा यतन करिए कि असीं तुहाडे हमदर्द हाँ। सिख खत्म हो गए, सिक्खी खत्म हो गई, भरा तुहाडे नहीं रहे, पिता तुहाडे नहीं रहे, कोई दुनिया ते सिख नहीं रहा, हुण असीं तुहाडे हमदर्द हाँ। अपना धर्म छड्डो, अपना ईमान छड्डो, अपना स्वैमान छड्डो, ते तुसीं साडे सामने एक वारी झोली अड के कह दो जिंदगी बख्श दो, असीं तुहानूं पदार्थां नाल मालामाल कर दांगे। ते जिहड़े जवाहरात, हीरे, खजाने देना चाहुंदे आ, जिहड़े धीआं दे डोले तक देना चाहुंदे आ, वह भोजन भी दे रहे होणगे, क्योंकि हमदर्दी का अहसास करवाउणा सी ना। पर मेरे गुरु दे लाला ने उही जवाब दिता जिहड़ा कदी गुरु नानक ने सिखाया सी। मलक भागो कहिंदा मेरे घर दा भोजन छक लो, ते बाबे ने की कहा सी? नहीं छक सकदा, पाप दे कमाई विच्चों बनिया होया भोजन। भूमिया कहिंदा मेरे घर दा भोजन छक लो, दुनी चंद कहिंदा मेरे घर दा भोजन छक लो, सज्जन कहिंदा मैं भोजन परोसना, ते बाबे ने कोई गल कही सी? ना, पाप की कमाई का भोजन असी नहीं छकांगे। जो गुरु नानक ने सिखाया सी भोजन जरूर परोसया गया। धन मां गुजरी बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह जी के वास्ते, क्योंकि सूबा दसना चाहता सी मैं हमदर्द हाँ, सुचा आनंद ये जताना चाहता सी मैं तुहाडा हमदर्द हाँ। तुसी कुछ तो लवो, तुहानू खजाने दे देंगे, धियां दे डोले दे देंगे। पर उस सिदकियां ने कहा सी जे जीवै पत लथी जाए सब हराम जिता किश कहै। ऐसा मरो जित बौर ना मरना, फिर मरना आ जाएगा। जे नहीं कुछ भी लोगे फिर मरना आ जाएगा। कहिंदे ओ मरना परवान है गुरमुखो। एक है शरीर का मरना, एक है जमीर का मरना।
शरीर करके सब ने मरना, जमीर करके बहुते मरे ने, ते जड़ा मरना धन बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी नूं प्राप्त हुंदा है, वह दुनिया विच किसे विरले नूं प्राप्त हुंदा है। कबीर जिस मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद, वह मरना कमाई विचों प्रगट हुंदा है, आत्मक कमाई विचों। उस मरने का भेद क्यों कदों खुलता है? जो साहब कहते शब्द मरो फिर जीवो साधे ही ता फिर मरण ना होए। शब्द कमाउंदिया कमाउंदिया, बाणी कमाउंदिया कमाउंदिया, इन्ना स्वै माण, इन्नी अंदर विल पावर, इन्ना अंदर आत्म विश्वास, इन्नी दृढ़ता, इन्नी परपक्ता, इन्ना आत्म बल अंदर आ गया। शरीर ने तो मर ही जाना है, पर उस आत्म बल ने, उस विश्वास ने, उस दृढ़ता ने इस मौत विच्चों भी जिंदगी पैदा कर दी। वजीदा कहिंदा तुसीं जीवो, मैं तुहानूं चाहुंदा कि तुसीं जिंदे रहो, मेरी मनसा है भी तुसीं जीवो। बार बार इस गल ते जोर दिता गया साध संगत, तुसीं जीवो, सुख लै लो, कुछ भी लै लो। वो दरवेश पुरख ने बड़े प्यारे बोल लिखे, अल्लाह यार खां जोगी ने, कहिंदे एक दिन सभा दे विच धन बाबा फतेह सिंह जी बोले, जिहड़ा कल गुजरिया ना, बाबा फतेह सिंह जी का आगमन दिहाड़ा सी, मां जीतो जी की कुखों आगमन होया उन्हां दा, बड़े निरभै सूरमे सी 7 साल दे लाल गुरु कलगीधर पातशाह जी दे। ये कोई अर्थ नहीं है भी कोई किन्ना समा जिंदा है ते किन्नी देर बाद मौत आउंदी है। जदों असीं मरण की गल करते हैं तो असीं इत्थे भी एक क्राइटेरिया रख्या होया भी जिहड़ा बहुती देर बाद मरदा वह बड़ा चंगा है, जिहड़ा छेती चलिया जांदा है वह बदकिस्मत है। नहीं साध संगत, जिहड़ा धर्म कमा के इस शरीर नूं छड़दा है वह भागां वाला है, जिहड़ा धर्म गवा के शरीर नूं छड़दा है भावें 100 वरियां जीवले उहदे तों वड्डा बदकिस्मत कोई। उम्र 7 साल की है, शरीर ने तो सबदिया ने मिटना है, पर जमीर के अंदर जिंदगी बड़ी कमाल की है। जदों बहुत वड्डी तो तरह प्रैशर पाया गया जीवन लो जीते रह लो, क्योंकि जित इस गल विच सी कि ये जिंदगी की भिख्या मंगण, ये लाचार हो के बेवस हो के कहण भी सानू जिंदगी दे दे। बाबा फतेह सिंह जी बोले सी, कहन लगे वजीदा सूबा सरहंद एक सवाल का जवाब दे भी, जिहड़ी जिंदगी तू सानू देनी चाहुंदा है खैरात विच, जिहड़ी जिंदगी भिख्या रूप विच असीं तेथों मंगीए, तू जिथे जोर दे रहा है, एक सवाल का जवाब दे भी की इस जिंदगी विच कदी मौत नहीं आएगी। गल नूं समझे चंगी तरह, क्योंकि गुरमुखा ने शब्द इत्थे समाप्त किया ऐसा मरो। जिंदगी ते मौत हुंदी की है? दुनिया ते मौत दे नां तो डरदी है, ते सानू गुरु शब्द कह रहे ऐसा मरो। वो मौत किन्नी प्यारी है जिहदा जिक्र गुरु साहब ने किया, जिन्हों मेरा मन आनंद कहा जा रहा, किन्नी प्यारी मौत होवेगी, उस मौत दे रिजल्ट की निकलते है। बाबा फतेह सिंह कहिंदे भी सूबे सरहंद एक सवाल का जवाब दे, जिहड़ी जिंदगी तेथों खैरात विच मिलेगी, तू गरंटी दिंदा भी उस जिंदगी विच फिर कदी मौत नहीं आएगी। जिहड़े जीवन तू सानू देवेंगा भी तू सानू अज बख्श देगा, मन लो असी तेरे कोलों भिख्या मंगीए, तेरे कोल गिड़गिड़ाइए, ते तू सानू नहीं मारेगा, तेरे शस्त्र नहीं चलनगे, तेरे जुल्म की चक्की नहीं चलेगी, तू सानू बख्श देगा। तो 10 जिहड़ी जिंदगी तू देवेंगा, तू जिंदगी देने वाला बन रहा है, कि फिर उस जिंदगी कदी मौत नहीं आएगी? कोई गरंटी दे सकता? 20 साल 50 साल 100 साल आएगी? सबनों आनी है। तो उत्थे बहुत कमाल दे सवाल जवाब ने इतिहास ने संभाले, कहिंदे बाबा फतेह सिंह जी ने कहा सी भी जे 100 साल जीव के भी मौत आ जानी है तो फिर असी मौत तो पहला क्यों मरीए, बेगैरत तो होके क्यों मरीए?
ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸੌਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ ਅਸੀਂ? 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ 100 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਢੋਂਦੇ ਰਹੀਏ। 7 ਸਾਲ ਜੀਕਰ ਵੀ, ਸੁਣਿਓ ਬੋਲ, 7 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਂਕੜੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਨਾ ਆਏ ਮੌਤ, ਹੋਰ ਜੀਏ, ਹੋਰ ਜੀਵੀਏ, ਹੋਰ ਜੀਵੀਏ। 7 ਸਾਲ ਜੀਕਰ ਵੀ, ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਰ ਕੌਮ ਸੇ ਬਚਾ ਕਰ ਜੀਣਾ, ਇਹ ਗੈਰਤ ਸੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਬਚਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚ ਲਈਏ, ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੂਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲਵੇਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਜ ਸੇ ਕੋਈ ਮਕਤੁਲ ਮੇਂ ਗਿਆ ਵੋ ਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਤੀ ਹੈ। ਮਕਤਲ ਮਤਲਬ ਕਤਲਗਾਹ, ਕਤਲਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਤਲ ਮਕਤੂਲ, ਮਕਤੂਲ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਾਤਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਮਕਤਲ ਕਤਲਗਾਹ। ਜਿਸ ਦਜ ਸੇ, ਦਜ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦਜ ਸੇ ਕੋਈ ਮਕਤੁਲ ਮੇਂ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਹੋਣੇ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਤਲਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਜ ਸੇ ਕੋਈ ਮਕਤੁਲ ਮੇਂ ਗਿਆ ਵੋ ਸ਼ਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਨ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਮਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਐਸਾ ਮਰੋ ਜਿਤ ਬੌਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਗਲੇ ਜਿਵਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔਰੋਂ ਕੀ ਜਾਨੇ ਬਚਾ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੌਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗਦਾ। ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔਰੋਂ ਕੀ ਜਾਨੇ ਬਚਾ ਚੱਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਹੈ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੌਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੁਰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੌਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔਰੋਂ ਕੀ ਜਾਨੇ ਬਚਾ ਚੱਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਨੀਮ ਸਰੋਂ ਪੇ ਉਠਾ ਚੱਲੇ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਸਵਾਹ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਰਦੀਆਂ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਟਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਐਸਾ ਮਰੋ ਜਿਤ ਬੌਰ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਨੀਂਵ ਸਰੋਂ ਪੇ ਉਠਾ ਚੱਲੇ, ਸਿੰਘੋਂ ਕੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾ ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਚੱਲੇ। ਪੌਦੇ ਮੁਰਦਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ।
राख होई धरती दे उत्ते कदी पौधे नहीं उगदे, उत्थे जिंदगी दी रौं होवे फिर पौधा लगता है, ते इस मौत दे उत्ते पौधा उगया गुरमुखों सिक्खी दी सल्तनत दा पौधा। खालसे निशान चले उस फतेहगढ़ साहब दी धरती ते, दुनिया दे उत्ते इतिहास दे अंदर दुनिया उत्ते पहला राज स्थापित होया जिथे महाराजे ने अपने नाँ उत्ते सिक्का नहीं जारी किया, अपने इष्ट दे नाँ उत्ते सिक्का जारी किया। सिक्का जादबर हरदो आलम तेग नानक वाहबस्त फतेह शाह शहान फजल सच्चा साहेबस्त, धन गुरु नानक साहब जी की कृपा नाल फतेह हुई ते मैं उन्होंने नाम उत्ते सिक्का जारी कर रहा। यह है जिंदगी जिदे विचों बूटे उगदे है, जिदे विचों जिंदगी जन्म लैंदी है, इनू मौत नहीं कहा जा सकता। ऐसा मरो जित बौर ना मरना। फिर वेखो इस जिंदगी दे नतीजे की ने, जिन्हों वो मौत कह रहे ने ना, असीं इनू मौत नहीं गिन सकते, इनू शहादत दा अर्थ हुंदा गवाही। वो अपने शरीर नू कुर्बान करके एक गवाही स्थापित करदे आ भी ये रस्ता बिल्कुल ठीक है। वो गवाही ने ते उन्हां दी गवाही दे नतीजे की निकलदे आ, मरी लाश कख नहीं सवार सकती, मरी लाश मिट्टी दी राख दी ढेरी है, कुछ नहीं सवार सकती। पर जिथे जिंदगी प्रगट हुंदी है, जिंदगी रौं प्रगट हुंदी है, उत्थे नतीजे निकलदे आ सत संगत। तां लिखिया उत्थे अल्ला यार खां जोगी जी ने, ठोडी तक ईंटें चिनदी मूँह तक आ गई, दीवार उसर रही है, छोटियां छोटियां इट्टां दी चिनाई हो रही है, ते दीवार दे दबाव दे नाल साह घुटदा गया। ये भी लिखिया, जब दीवार के दीवारे दबाव से हब से दम हुआ, दौराने खून रुकने लगा। थोड़ा जिहा अंदाज़ा ला के वेखो ना, जो साह घुटिया तो नाजुक जे शरीर से ना, कोमल जिहा जिंदा लड़ज उठे होणगे अंदरों, फेफड़े सर्कल सारा हिल गया होएगा। दौराने खून का दौरा मध्यम हो गया, फेफड़िया की हरकत उन्हें ऑक्सीजन पूरी ना मिली। जब दीवारे दबाव से हब से दम हुआ, दौराने खून रुकने लगा और सांस कम हुआ, बोले तब दोनों बाजाहर सितम हुआ। कहते इंतहा हो गई जुलम की, अत्याचार की इंतहा हो गई। तो जोगी जी कहते जो ठोडी तक ईंटें चिनदी मूँह तक आ गई, बीनी को डांपते ही, बीनी नक् न कहें, जदों ये नक् नूं कज्जिया बीनी को ढांपते ही आंखों पेश आ गई। हुणे उसरदी हुई दीवार नूं सुरत दी अखां नाल वेखियो, तुहानूं साहिबजादे दीवारां दे अंदर अलोप हुंदे छुपदे हुए नज़र आउणगे। दीवार उच्ची हुंदी गई, ठोडी तक मूँह तक आ गई, बीनी को ढांपते ही आंखों पेश आ गई, हर चांद सी जबी को, जबी कहिंदे आ मत्थे नूं, चंद्रमे वर्गे खिड़े हुए मस्तक जड़े सी वह दीवार ने अपने कलावे च लै ले छुपा ले। हर चांद सी जबी को ग्रहण सा लगा गई, जिमें चंद्रमे नू ग्रहण हौली 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 कज ढक लैंदा, वह कालख दे लपेट विच लै लैंदा, इदां ये चंद्रमे वर्गे मस्तक जड़े सी दीवार ने छुपा ले। ते मत समझना जिमें हाकम कहिंदा भी मैं मार दित्ते ने, मरे नहीं। जोगी जी कहते इसके बाद जोगी जी हुई बस थोड़ी देर थी, ये बस्ती सरहंद शहर की ईंटों का ढेर थी। रिजल्ट निकल दिया, उन्हें कभी मौत नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या ऐसा मरो जित बौर ना मरना। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने अमृत दे दाते ने अमृत दियां कुट्टां पिया के मौत तो मुक्त कर दिता सी, उन्हें बख्शिश करदे ही ये कह दिता सी, अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनंद अनंता। तो ये गुड़ती माँ गुजरी जी ठंडे बुरज में बैठ के दिंदी सी, जदों रोज़ पढ़ती सी, पूता माता की असीस निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। इसे शब्द के अंदर ये गुड़ती साहब ने दिती भी अमर होना है तो अमृत पीवो, कला वर्तनी सी अमृत की साध संगत। कुर्बानी हुई, नतीजे निकले, दुनिया के उत्तों जुलमी राज दा अंत होया। किन्ना पवित्र पाक खून सी धरती उत्ते डुलिया, ते उत्तों फसल उगी आज़ादी दी, उत्तों फसल उगी गैरत दी,
अणख की उस धरती के उत्ते हिंदुस्तान 750 साल के मुगलों की गुलामी तो बाद जे कि आज़ाद हस्ती होंद स्थापित हुई तो वह धरती से जिथे धन बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह का पवित्र खून डुलिया। इनू कहिंदे जिंदगी दी रौ राज स्थापित होया, स्वै माण मिलता उस धरती तो, उत्थे मस्तक रखिया अंदर गैरत जागती है, धर्म निभाउण दी जाच आउंदी है। मेरी ओ भैणों सिमरन करो उस धरती दा, तुहानू भुल्ले ना। मैं 5-4 दिन पहला मंजी साहब कथा करदे आ वी बेनती कीती सी, अर्थ ये नहीं है भी 11 महीने असी भुल जाइए तो दसंबर च चेते रखिए, घट्टो घट मैं बेनती करदा घट्टो घट सानू साह साह नाल चेता रहे भी ये दिन जड़े ने ये कलगियां वाले साहब के सरबंस ने दुखड़े झल झल के फिर साड़ी झोली च सुख पाए ने। तुसीं अपने घर च सौंदे जागदे भोजन पदार्थ छकदे रात नूं निग दे अंदर अपने बच्चियां नूं प्यार गलवकड़ी च लैके सलाउंदे वाहिगुरु तुहानूं सारिआं नूं संतान दा सुख देवे, उदों ठंडा बुरज चेते रख्या करो जिथे सीत रातां मां गुजरी जी ने लाला नूं छाती नाल ला के कट लिया पर धर्म नहीं हारिया, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी, उन्हां दी कमाई चेते करोगे परमेशर चेते आएगा। धर्म नहीं हारिया, सिक्खी केसां सुआसां नाल निभाई, सिक्खी निभ जाए जिन्नी देर सुआस ने केस सलामत रहन सिक्खी निभ जाए, इन्हूं कहिंदे सिक्खी केसां सुआसां संग निभाई। ते आखरी पड़ा जिंदगी दा आखरी पड़ा शरीर दा सफर बड़ा लौकिक जिहा, थोड़ा जिहा ध्यान चेते च रख लियो। 6 ते 7 पोह दी दरमियानी रात सी जिद्दन माँ जी ने धन कलगीधर पिता जी ने सारे सरबंस ने आनंदपुर साहब छड्डिया, पहला पैर रात दा सी 6 ते 7 पोह की दरमियानी रात, दिन 6 पोह है अगले पासे 7 पोह ते विचली जड़ी रात सी, कल नूं 7 पोह आना अज 6 पोह है विचली रात, पैर को रात बीती है जदों आनंदपुर साहब छड्डिया। शाही टिब्बी कोल गए, हमला होया अमृत वेला सरसा दे कंडे ते संभालिया जाके सरसा पार कीती, इदों नूं दिन चढ़ गया। वो जड़ी रात सी 6-7 पोह की सारी बिखड़े सफर विच गुजरी, प्रभात हुंदी है सूरज उदय हुंदा है सरसा पार करके 7 पोह का आरंभ हो गया। हजूर कलगीधर पातशाह जी चमकौर साहब वाल नूं चल के 4 हिस्से हुए इत्थे गुरु परिवार के, एक हिस्से की अगवाई कलगीधर पातशाह जी कर रहे ने, एक टुकड़ा परिवार का माता साहब कौर माता सुंदर कौर जी, वो भाई मनी सिंह भाई धन्ना सिंह भाई जवाहर सिंह जी होरां दे नाल दिल्ली वाल ने एक रात रोपड़ च कट के उत्थे निशानदेही हो गई। हुण उहदा एक कारण सी साध संगत, क्योंकि भाई धन्ना सिंह ते जवाहर सिंह जी दिल्ली दे रहण वाले ने, भाई मनी सिंह जी दे सहुरे दिल्ली ने, भाई लक्खी शाह वणजारा उहनां दी पुत्री जिन्हां ने अपने पवित्र साहिब सच्चे पातशाह दे पवित्र धर दा सत्कार कायम रखण लई अपने घर नूं अग ला दित्ती सी, उन्हां दी धी बीबी सीतो जी भाई बचित्र सिंह जी भाई उदय सिंह भाई अनक सिंह अजब सिंह अजैब सिंह दे पूजनीक माता जी वो दिल्ली दे ने, भाई मनी सिंह जी दे सहुरे दिल्ली ने, इसलिए दिल्ली वाल परिवार गया। तीजा हिस्सा माँ गुजरी जी छोटे साहबजादिया समेत, तो चौथा हिस्सा गुरु के परिवार का भाई उदय सिंह जिन्हां दी अगवाई कर रहा जिहड़े रोपड़ के रंगणा के नाल, हुण ये सिख भी तो गुरु के परिवार है ना। 4 हिस्से हो गए। थोड़ा जिहा मैं सफ़र नूं तुहाडे चेते च लियाउणा चाहुंदा, थोड़ा जिहा इसलिए मैं डेटां दी थोड़ी तफसील पेश कीती है। 7 पोह दा दिन चढ़िया ते परिवार टुकड़े टुकड़े, हजूर चमकौर साहब पहुँच गए ने 7 पोह दी रात, सतगुरु जी चमकौर साहब कटदे ने, भाई उदय सिंह जी सिखा 100 कु सिखां समेत शहीद हो गए। 7 पोह दी रात माता सुंदर कौर माता साहिब कौर जी रोपड़ कटदे ने, 8 पोह नूं दिल्ली वाल कूच कर दिंदे। 8 पोह नूं कलगीधर पातशाह जी अपने जिगर के टुकड़ियां नूं शहीद हुंदिआं वेखदे, 5 प्यारिआं चों 3 प्यारे शहीद हुंदे, भाई हिम्मत सिंह भाई मोहकम सिंह भाई साहिब सिंह जी। जदों 8 पोह दीआं छामां पैंदीआं सूरज अस्त हुंदा है ते सच्चे पातशाह जी दे 40 कु सिंघां दे विच्चों केवल 5 बाकी बचदे आ, भाई दया सिंह जी भाई धर्म सिंह जी भाई मान सिंह जी भाई संगत सिंह ते भाई संत सिंह,
जिन्हां ने पंजां दी हैसियत नूं वरतदिआं हजूर नूं अर्ज कीती सी महाराज तुसीं चमकौर दी गढ़ी छड्ड दिओ। नौ पोह दा सूरज सतगुरु जी नूं माछी वाले उस जंगल दे अंदर जिहदे अज तुसीं दर्शन करदे उत्थे उहदे हुंदा। उधर माँ गुजरी जी सत पोह दी रात इहनूं अपनी चंगी तरह सिमरती दा हिस्सा बणायो। तुहाडे टिप्स दे उत्ते चाहीदा है, मेरी बेनती है। मैनूं परसों फोन आया इंग्लैंड की धरती तो, वो कोई रेडियो वाले लाइव लेंदे ने तो उन्होंने इतिहास बारे गल